तो बाकी हमने एनर्जी स्टोर का कर लिया था, ये सारा काम हमारा कंप्लीट है और डन। बुकलेट को तो अब करते हैं क्लोज। शीट नंबर 94, शीट नंबर 94, 94 का प्रिंट आउट, और यहां पे नंबरिंग लिखी हुई है 7.34। बैच में मिली होगी आपको ये लास्ट टाइम, ये रहो।
तो देखो इस शीट नंबर 94 पे आते हैं, शीट नंबर 94 पे। और हाँ एक और चीज मैं भूल गया, मैं ऑनलाइन टेस्ट प्रिपेयर करवा रहा हूँ, अब 3 महीने रह गए अब ऑनलाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो चाहे मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल, मेडिकल वालों की तरह ऑफलाइन ही होंगे, मैं ये नहीं होंगे, ऑफलाइन भी होंगे यहाँ पे, पर प्रैक्टिस के लिए घर पे भी अगर ट्राई करना चाहो तो उसमें दो चीज़ें होंगी, तो टॉपिक वाइज आप ऑनलाइन आप घर पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एज एन ऑब्जेक्टिव, तो विद सॉल्यूशन आएगा वो, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे 15-15 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के, फिर आप उसके सॉल्यूशन साथ साथ देख सकते हैं। तो मतलब 15 सितंबर के बाद ये मैं स्टार्ट कर दूंगा आपके एग्जाम्स के बाद, तो यहाँ तो टेस्ट होगा ही होगा फिर कह रहा हूँ, लेकिन डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ अपलोड होता रहेगा, आप घर पे बैठ के दे सकते हो टेस्ट, ठीक, तो इवैल्यूएशन होती रहेगी उसमें, तब स्टार्ट करेंगे, तब जाके ऑनलाइन की प्रैक्टिस होगी 3 महीने में। तो क्वेश्चन नंबर 50, शीट नंबर 94, एक लाइट बल्ब है, एक लाइट बल्ब की रेटिंग लिखी हुई है 100 वॉट है, 220 वोल्ट पे चलता है। अब मैं जब ये लाइन पढ़ता हूं ना, तो मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी याद आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुझे ये याद आता है कि ये ना डीसी पे चलता होगा बल्ब, क्योंकि नॉर्मली हमने आज तक ये करंट रेटिंग डीसी पे ही करी कि 220 वोल्ट डीसी पे चलता है और जिसमें पावर कितनी है 100 वॉट है, ठीक हो गया। पर उसने क्या कह दिया, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, चलो मेरे को लगा मैं रेजिस्टेंस निकाल ही दूंगा, पावर पता है और मुझे वोल्टेज पता है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगला कह रहा है पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, मैं कंफ्यूज हो गया, और देखो ये तो क्योंकि चैप्टर एसी है तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ एसी है, पर जब ये एज एन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आएगा फिर मैं कैसे रिलेट करूंगा। फिर वो पूछ रहे पीक वैल्यू, अब मुझे समझ में आया कि ये डीसी नहीं होगा, ये पक्का एसी सप्लाई होगा, और ये कौन सी वोल्टेज होगी उसकी, ई आरएमएस। तो इस केस में फॉर्मूला वही लगेगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पावर, पावर इसको एवरेज बोलनी है इसमें अगर बोल रहे तो, और इसमें वी आरएमएस, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चक्कर नहीं। अब क्योंकि इसमें अब निकालना है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज है, पीक वैल्यू के लिए रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे पीक वैल्यू, फिर वो कह रहे हैं आरएमएस करंट निकालो, आरएमएस करंट क्या होगा, पावर इज ई इंटू आई, तो आई इज इक्वल टू पावर बाय वी आरएमएस, इन्हें डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब जैसे कैपेसिटर रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है सीरीज में, तो बताओ कौन सा सर्किट है, आर सी, आर एंड सी का कॉम्बिनेशन है, एसी सोर्स है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी आर, तो कैपेसिटर में वी सी गिवन है, रेजिस्टर में वी आर गिवन है, वोल्टेजेस गिवन है, फाइंड आरएमएस करंट ऑफ एंड सॉरी आरएमएस करंट भी गिवन है, क्या निकालना है, इंपीडेंस एंड पावर फैक्टर। अब पहले मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपको जब वोल्टेजेस गिवन है तो नेट वोल्टेज तो निकाल ही लोगे, और सीरीज में नेट वोल्टेज क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, वी एल तो है ही नहीं, वी आर पता है, वी सी पता है, नेट आंसर आएगा, नेट आंसर को क्या बोल सकते हैं, ई आर एम एस, एक आंसर आ गया ई आर एम एस आ गया। करंट की आरएमएस वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 3 एम्पियर, आरएमएस करंट को आरएमएस सॉरी ईएमएफ को आरएमएस करंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, नेट रेजिस्टेंस, और आरसी सर्किट में नेट रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जेड फॉर इंपीडेंस, ठीक हो गया, इंपीडेंस आ गई। पावर फैक्टर निकालने का तरीका देखो, हमने आज इंपीडेंस ट्राइंगल किया, मैंने आपको करवाया कि अगर ये फाई है, ये आर है, ये Z है, और ये क्या होता था XL माइनस X, यही था इंपीडेंस ट्राइंगल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो सेम डायग्राम को, ये phi है, R की जगह VR, इसकी जगह VL माइनस VC, और इसकी जगह नेट वोल्टेज, ऐसे एक ही बात है, करंट चाहे रेजिस्टर में बनाओ चाहे वोल्टेज में बनाए, cos phi पावर फैक्टर बोलो क्या बनेगा, VR डिवाइडेड बाय नेट वोल्टेज, cos phi इज VR, और नेट वोल्टेज यहां पर कितनी आई है, ई आर एम एस, आंसर। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, हाउ टू कैलकुलेट पावर फैक्टर, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक। तो जरूरी नहीं है आर अपॉन जेड ही मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि कॉस फाई अगर आपको याद है आर बाई जेड, तो एक काम कर सकते हो, करंट आई आर एम एस से दोनों को डिवाइड कर दो, आई इंटू आर क्या हो जाएगा वी आर, और I into Z क्या हो जाएगा नेट वोल्टेज, तो एक ही बात है,
ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सी फॉर कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है, अननोन है, आर दे रहा है, एल दे रहा है, और इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी। देखो अब मैंने आपको बताया ना चलाकी करता है, पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी, आर बाय जेड इज यूनिटी, आर इज इक्वल टू जेड, क्लिक करेगा, आर इज इक्वल टू जेड का मतलब पक्का रेजोनेंस है, रेजोनेंस में एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो एक्स एल क्या है, एल ओमेगा, एक्स सी क्या है, वन बाय सी ओमेगा, तो हमें सी चाहिए, बाकी सारा कुछ है, सी कैन बी कैलकुलेटेड। बोला था ना कि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। ऐसी बी पार्ट में क्यू फैक्टर निकालो, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वन बाय आर अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। फिर ऐसी क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एवरेज पावर निकालो क्या होगी। अब एवरेज पावर इसने सही नहीं निकाली, ये गलत है, इसको ऐसे करना चाहिए, जो हमें समझ में आता है, एवरेज पावर विल बी इक्वल टू, बोलो क्या, ई आर एम एस, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ई आर एम एस, आई आर एम एस को लिखते हैं ई आर एम एस बाय टोटल रेजिस्टेंस जेड, और कॉस फाई पावर फैक्टर क्वेश्चन में क्या गिवन है, वन, ये भी क्लियर है। तो क्या बनेगा, ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, पर क्योंकि रेजोनेंस है तो Z की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, R, करेक्शन करो, यहां टू नहीं है, ये R होना चाहिए, ये R है, शीट नहीं मिली, शीट नहीं मिली, ये वाली शीट नहीं मिली, अच्छा ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, करेक्शन कर लेना मतलब इसमें, ठीक है। वैसे ये मेथड सबसे सही है, क्योंकि याद तो सबको यही आने वाला है, तो वन पुट करेंगे आंसर आएगा, हाँ लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन 53 देखना एक बार प्लीज, अब आप देखो 53rd क्वेश्चन देखो प्लीज, खुद स्टेटमेंट देखो, वैल्यूज आइडेंटिफाई करो, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन, क्या गिवन है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इधर देखो कंपेयर करो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां से क्या आ गया, ई नॉट, साथ में क्या आ गया, ओमेगा, राइट, अप्लाइड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, कौन सा सर्किट हुआ, आर एल सर्किट, इंपीडेंस निकालो, अब इंपीडेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, एक्स एल क्या होता है, एल ओमेगा, सारी वैल्यूज गिवन है, एक तो आंसर आ ही जाएगा। फिर क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू आई नॉट इज ई नॉट बाय आर एल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जेड, तो जेड, ई नॉट पता है, जेड हमने निकाल लिया आंसर, और क्या निकालना है, पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाय जेड, आर पता है, जेड पता है, पावर फैक्टर आ गया। तो कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं समझ में आ रहे हैं यहां तक, जैसे क्वेश्चन नंबर 54 भी कर सकते हो, स्टेटमेंट देखो क्या चीजें गिवन और क्या निकालना है, नहीं है किसी भी नहीं है पेज, ये चाहते हुए ले लेना, फिर कोई बात नहीं, आप कनेक्शन कर लेना, यहीं से देख लो अभी एक मिनट, 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, अब मुझे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, तो ये कुछ नहीं गिवन, एसी में तो क्या होगा, ई आरएमएस,
एल पता है, सी पता है, आर पता है, यानी कि एलसीआर सर्किट है। क्या निकालना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा टू गेट मैक्सिमम करंट। करंट मैक्सिमम कब होता है? जब रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अंडर रूट ऑफ एलसी। कर लेंगे सॉल्व। फिर बी पार्ट में करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम करंट, आई नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, वैसे ई नॉट बाई जेड होना चाहिए था, एलसीआर सर्किट है, पर क्योंकि रेजोनेंस है तो जेड इज इक्वल टू आर, एक ही बात है। अब मुझे क्या चाहिए? ई नॉट। मुझे क्या गिवन है? ई आर एम एस। ई आर एम एस को रूट टू से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ई नॉट। ई आर एम एस पता है, आर पता है, आंसर। फिर क्या निकालना है? पावर डिसिपेटेड। वैसे तो ई स्क्वायर बाय जेड हो सकता था, पर यहां पर जेड आर के इक्वल है तो ई स्क्वायर बाय आर। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो पावर फैक्टर में और इन टाइप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कोई डाउट इसमें? याद तक सबको क्लियर है? पावर, पावर तो एवरेज आएगी, पावर कुछ नहीं बोला तो एवरेज है वो, राइट? तो एक काम करना है आपने, ये शीट एज अ होमवर्क है आपकी, ये आपको सारी सॉल्व अनसॉल्व